आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से फोन करते समय अगर मोबाइल फोन से आवाज नहीं आती है ना फोन करते समय, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हम कॉल पर बात करते हैं तो हमारे फोन से आवाज नहीं आती है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज पे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन में जो स्पीकर होता है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण फोन करते समय आवाज नहीं आती है, तो ध्यान रखना है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, तो आपका नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।